तो ये बिल्कुल सही टाइम है डीमन स्लेयर के मार्क के बारे में जानने का, क्योंकि म्यूचुरो और गियोगो की फाइट देखने के बाद तुमने भी 2 मिनट के लिए सोचा होगा कि डीमन स्लेयर मार्क क्या बला है और ये कहाँ से आए हैं, इनकी क्या कुछ एबिलिटीज है और क्या इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा और मैं जितना हो सके इस वीडियो को उतना शॉर्ट रखने की कोशिश भी करूंगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो डीमन स्लेयर मार्क एक ऐसा मिस्टीरियस मार्क है जो कि रैंडमली बॉडी पर कहीं भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर टाइम ये फेस पर ही आता है और हर मार्क का एक यूनिक पैटर्न होता है। ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर रहे हो। ये एक टाइप का बूस्टअप है जिससे कि तुम अपनी पावर्स को थोड़ी देर के लिए इन्हांस कर सकते हो और ये थोड़ी देर बाद अपने आप डिसअपियर हो जाता है और तुम इसे कभी भी रीएक्टिवेट कर सकते हो। यूरिचिसुगी कुनी से, तो 500 साल पहले सेंगुकु एरा में यूरिचि इसी मार्क के साथ पैदा हुए थे और उस टाइम के सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर भी थे। तो बाद में जब यूरिचि ने डीमन स्लेयर क्रॉप्स को ज्वाइन किया तो तभी उन्होंने ब्रीदिंग स्टाइल को यूज कैसे करते हैं और मार्क्स को अवेकन कैसे करते हैं ये स्लेयर्स को सिखाया था, ताकि वो लोग डीमंस को हरा सके। बट इसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन करने के लिए स्लेयर को अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि स्लेयर को अपने हार्ट रेट को 200 बीट्स पर सेकेंड और बॉडी टेम्परेचर को 102 फेरेनहाइट तक बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर एक स्लेयर अपने मार्क को अवेकन कर सकता है। और एक बार मार्क अवेकन हो गया तो स्लेयर अपनी फिजिकल एबिलिटी और स्ट्रेंथ को 100 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है और इसके साथ स्लेयर को 2 स्पेशल एबिलिटीज का भी एक्सेस मिलता है। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि स्लेयर के अपोनेंट की स्क्रीन ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिससे कि स्लेयर अपने अपोनेंट के ब्लड फ्लो, मसल्स, ब्रीदिंग और जॉइंट मूवमेंट्स को देख सकता है। इससे स्लेयर को फायदा ये होता है कि स्लेयर अपने अपोनेंट के सारे मूव्स स्लो मोशन में देख सकता है और उनके अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट करके बच सकता है, जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन हॉकी। अगर स्लेयर अपनी नीचेरिन स्वॉर्ड को दूसरे स्लेयर जिसके पास मार्क है उसकी नीचेरिन स्वॉर्ड के साथ क्लैश करेगा तो रेड नीचेरिन स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगी। रेड नीचेरिन स्वॉर्ड बिल्कुल सन की तरह काम करती है। अगर रेड नीचेरिन स्वॉर्ड से डीमन के ऊपर अटैक करा जाए तो डीमन रीजनरेट नहीं कर पाएगा और यही इसकी खासियत है। तो इस मार्क के बहुत सारे फायदे तो हैं बट एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो मांगना में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई डीमन स्लेयर अपने मार्क को अवेकन करता है तो 25 की एज से ज्यादा नहीं जी पाएगा, लेकिन यूरिचि एक अकेला ऐसा इंसान है जो कि 80 ईयर्स तक जी पाया था। तो यूरिचि इतने साल क्यों जी पाया था? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यूरिचि फर्स्ट होल्डर था इस कर्ज मार्क का, शायद इसलिए यूरिचि इतने साल अलाइव था। और यूरिचि के अलावा एक और इंसान है जो कि इस कर्ज मार्क के साथ आज भी अलाइव है और वो और कोई नहीं बल्कि यूरिचि का जुड़वा भाई मिचिकात्सु यानी अपर मोर वन कोकोशिबु है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मिचिकात्सु इस बात से जलता था कि वो अपनी भाई की पावर्स को कभी भी सरपास नहीं कर पाएगा और उसे इस बारे में भी पता था कि इस मार्क की अवेकनिंग की वजह से वो ज्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा। और उसी टाइम पर मुजान मिचिकात्सु को ऑफर देता है कि डीमन बन जाओ और इस पावर से तुम अपने भाई को भी हरा सकते हो और इस कर्ज से भी बच जाओगे। और इसी फ्रस्ट्रेशन और मौत के डर से मिचिकात्सु मुजान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और डीमन बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज कर अपर मून वन कोकोशिबो बन जाता है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो डीमन स्लेयर कर्ज मार्क एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। स्लेयर को कुछ देर के लिए पावर्स तो मिल जाएंगी लेकिन इसके बदले स्लेयर को अपनी लाइफ स्पैन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यही थी द हिस्ट्री ऑफ डीमन स्लेयर कर्ज मार्क। तो तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।